अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हमने बनाया है चने आलू की सब्ज़ी, जो कि मेरे इस चैनल पे आज की दूसरी रेसिपी है। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर और गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ता। मसालों में चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, तेज पत्ता और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो पोटैटो हमने स्क्वायर शेप में काट लिए हैं और इसे साफ़ कर लिए, और चने रात भर भिगो कर इसे भी साफ़ कर लिए हैं। प्रेशर कुकर गैस पर रख देते हैं गर्म होने के लिए। तो प्रेशर कुकर गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सरसों का तेल। आप रिफाइंड तेल भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग सरसों यूज़ करते हैं, यही खाते हैं, इसीलिए हमने सरसों यूज़ किया है। इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे तेज़पत्ता। तेज़पत्ता ऐड कर देंगे और इसे चटकने देंगे। जब तेज़पत्ता चटक जाएगा, इसमें हम लोग ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, जो कि हमने दो पीस लिए थे। तो हमने ऐड कर दिया है प्याज। प्याज को ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, डीप ब्राउन नहीं करना है, प्याज को लाइट ब्राउन ही रखना है। तो प्याज देखिए हमारे लाइट ब्राउन पर आ चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट और इसे 1 से 2 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे, ताकि कच्चापन ना रहे। तो देखिए दोस्तों, हम मसालों को 1 से 2 मिनट तक भून लिए हैं। अब इसमें जो हमारे बाकी के मसाले थे, जो सूखे मसाले थे, वो ऐड करेंगे, जो कि था हमारा मिर्ची का पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा और काली मिर्च का पाउडर। इसको डाल लेंगे और इन सभी मसालों को प्याज को मिलाते हुए हमने 1 से 2 मिनट तक भूनना है। तो सारे मसालों को हम लोग भून लेंगे अच्छे तरीके से, 1-2 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे। और इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं इसमें। तो देखिए हमने नमक डाल दिया है। अब इसके साथ इसको भी भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। अब थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी दोस्तों ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमने आधी लहसुन को पहले भी थोड़ा सा भुना हुआ है, इसलिए ज़रा सा पानी डालकर इसे 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आँच पर, धीमी आँच पर इसे भूनने देंगे। तो दोस्तों देखिए हमारा 3 से 4 मिनट तक हो चुका है। आइए देखते हैं मसाले। तो देखिए दोस्तों, मसाले हमारे काफ़ी अच्छे तरीके से भुने हुए हैं, तेल भी सेपरेट हो चुका है और काफ़ी कलर अच्छा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे आलू, जो हमने स्क्वायर शेप में कटे हुए थे। सारे आलू को हम लोग मसालों में डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने सारे आलू मसालों में डाल दिया है और इसे अच्छे तरीके से मसालों के साथ हम लोग मिक्स कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, आलू और मसाले काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे चने, जो कि भीगे हुए। तो हमने चने भी ऐड कर लिया है। अब आलू और चने को अच्छे तरीके से मिलाते हुए हम लोग मिक्स करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए इसे चलाते हुए हम लोग भूनते रहेंगे, हल्की आँच पर इसे भूनते रहेंगे। तो हमने सारे मसालों को, चनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, भून लिया है। अब बारी आती है टमाटो की। तो हमने 2 पीस जो टमाटो बारीक कटे हुए थे, इसको डालेंगे। पहले नहीं डालेंगे दोस्तों, क्योंकि आलू को गलने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसीलिए सारे मसालों को, आलू चने को भूनने के बाद लास्ट में ऐड करेंगे टमाटो। और सारे चीज़ों को मिक्स, सारे सब्जियों को मिक्स करते हुए थोड़ी देर के लिए हम लोग भून लेंगे। तो देखिए दोस्तों, सारे मसाले, टमाटो, आलू और चना हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और भून भी चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों, क्योंकि हम प्रेशर कुकर का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा पानी देंगे और इसे ढक्कन लगा करके हम लोग पकने देंगे। उससे पहले हम लोग सारे मसालों को मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करना है हमें थोड़ा सा गर्म मसाला। तो हमने गर्म मसाला भी डाल दिया है, इसे भी मिला लेंगे। तो गर्म मसाला हमारा मिल चुका है। अब इसको हम लोग लीड लगा करके 3 से 4 विसल आने तक का वेट करेंगे। जैसे ही हमारे 3 से 4 विसल आ जाएंगे, उसको हम लोग खोल करके देखना है कि चने और मसाले अच्छी तरीके से सेपरेट हुए या नहीं। तो हो चुके हैं 3 से 4 विसल। अब इसे आइए ढक्कन खोल के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पानी हमारा ज़्यादा नहीं है, ग्रेवी भी नहीं है, एकदम हमें जैसे चाहिए थी वैसी सब्जी बन के तैयार है। चने में आपको छूकर दिखा रही हूँ कि देखिए ये भी गल चुके हैं और काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतरीन लग रही है देखने में। अब हम इसे सर्विंग मोल में निकाल लेते हैं। आपको जितनी निकालनी है आप एक सर्विंग मोल लेकर उसमें निकाल लीजिए। दोस्तों प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर दूसरी रेसिपी के साथ मिलते हैं।